Hello students, how are you? I hope you are fine at your home. Students, in previous video, I taught you lesson number 1, a bell for the cat. And मैं hope करती हूँ कि वो lesson आपको समझ में आया होगा. आपने question answer book में लिखे होंगे, notebook में लिखे होंगे. Students, अभी जो pandemic corona चल रहा है और मोरबी में बहुत सारे cases आ रहे हैं. तो हमारे पास सिर्फ पढ़ाई करने का ऑनलाइन यही जरिया है कि हम आपको वीडियो भेज रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं. हो सकता है उसमें थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता है, तो इस कम्युनिकेशन गैप को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं. यदि आपको कोई भी डाउट हो, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बेझिझक फोन कीजिए, प्रिंसिपल को फोन कीजिए, कोऑर्डिनेटर्स को फोन कीजिए और मुझे फोन कीजिए. हम सब मिलकर आपको निराश नहीं करेंगे और जो भी हमसे बनेगा हम आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे. तो स्टूडेंट्स, होप करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा. मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको लेसन अच्छे से एक्सप्लेन करूँ. फिर भी कोई प्रकार की आपको डाउट रह जाता है या कोई भी प्रकार का क्वेरीज रह जाती है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कॉल मी. ओके स्टूडेंट्स, ओके. चलिए अब हम लेसन नंबर 2 पे जाएंगे. सेम फंडा, हम अपनी पेंसिल्स उठाएंगे हाथ में और हम एक एक लाइन के ऊपर अपनी पेंसिल्स को पॉइंट आउट करेंगे. मैं लेसन रीड कर रही हूँ, आप जहाँ जहाँ मैं लेसन रीड कर रही हूँ वहाँ वहाँ पे अपनी पेंसिल्स रखेंगे और आगे हम पढ़ते जाएंगे और मैं लेसन एक्सप्लेन आपको करती जाऊंगी. तो आपको लेसन भी एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको रीडिंग भी आपकी पावरफुल हो जाएगी. स्टूडेंट्स, प्रॉमिस करो कि आप मेरे रीडिंग करने के बाद वापस उस लेसन को रीडिंग्स करेंगे. मैंने आपको नाउन्स सिखाया है, जैसा मैं स्कूल में हम करते थे कि हम नाउन्स को अंडरलाइन करते थे, एडजेक्टिव को हम सर्कल करते थे, तो आप वही प्रोसेस वापस करेंगे. नाउन्स को आप अंडरलाइन करेंगे, प्रोनाउन्स को आप सर्कल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ओके. चलिए हम अपने लेसन की तरफ बढ़े. ओके स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2 है कोआला. यस, कोआला. यू नो क्या है कोआला? दिस इज अ वन काइंड ऑफ एनिमल. ये एक एनिमल का नाम है, शायद इंडिया में नहीं होता है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में. चलिए तो आज पूरा कोआला की जो हैबिट्स है, वो कैसे रहता है, उसकी क्या हैबिट्स है, उसका जन्म कैसे होता है, वो क्या खाता है, सारी हैबिट्स के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. होप करती हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आ गया. रेडी? चलिए पेंसिल उठाइए. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. द कोआला इज ए लवली लिटिल चब्बी एनिमल. इट इज ए मैमल. इट लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. इट लुक्स लाइक ए लाइव टेडी बियर. इट हैज ए लार्ज ब्लैक नोज. It has soft woolly fur. The fur is brownish above the yellow below. The thick fur helps to keep it warm and dry. Students, koala एक चबी एनिमल्स है. चबी मतलब मोटा मोटा, यू नो, चबी. चबी एनिमल्स मतलब मोटा एनिमल्स है. और वो एक मैमल है. मैमल जो कि मैमल वो एनिमल्स कहलाते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है. ओके? और ये एनिमल ऑस्ट्रेलिया में रहता है. ओके? और ये आपको पता है आपके घर में टेडी बियर होंगे, जस्ट लाइक टेडी बियर के जैसे ही लगता है. अब उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी जो नोज है वो एकदम ब्लैक है. ओके? एंड इसकी जो फर्स होते हैं ना, बहुत सारे सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं. एंड उसका जो ऊपर का कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है और जो बॉटम कलर होता है वो येलोइश होता है. थिक फर, थिक मतलब मोटा, थिक मतलब मोटा जो फर होते हैं, इसके फर जो मोटे होते हैं. समटाइम्स यू नो कि ऑस्ट्रेलिया में माइनस के अंदर सर्दी चली जाती है, जो कोल्ड होती है विंटर के समय, तो ये इसके जो मोटे फर होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं उसको वार्म रखने के लिए. जब हमें सर्दी होती है तो हम स्वेटर्स पहनते हैं ना, तो एनिमल्स तो स्वेटर नहीं पहन सकते, लेकिन इनके जो फर्स होते हैं वो इनको वार्म रखते हैं. अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट पेज. A koala baby is born live. It feeds on milk from the mother's body.
Thus, the koala is like other mammals, but it is a special kind of mammal. A female koala has a pouch on her underside. Wow! In this pouch, she carries her baby as it grows. You know, कि कोआला है वो क्या है, उसका जो बच्चा है वो जिंदा ही पैदा होता है. ऐसा नहीं कि अंडा देता है, समथिंग लाइक वो बच्चा ही होता है. और ये अपने बेबी को मिल्क मिलाती है. और जैसे कि अदर्स जो गाय अपने बच्चों को, मैमल्स होते हैं, काऊ वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, बफेलो वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, गॉट, तो इट्स लाइक ए काऊ, गॉट एंड अदर एनिमल्स, है ना. पर ये एक स्पेशल काइंड मैमल्स है. पता है क्या है इसका स्पेशल थिंग, कि इसके पास, इसके जो अंडर साइड होता है वहां पे एक पाउच होता है, और वो अपने इस पाउच में अपनी बेबी को जन्म देती है. एक और एनिमल है जो कि पाउच में अपनी बेबी को रखता है, यस, कैंगारू. कैंगारू भी जो होता है वो भी अपनी बेबी को पाउच में रहता है. एनिमल दैट हैव ए पाउच टू कैरी देयर यंग आर कॉल्ड मार्सुपियल्स. क्या कहलाते हैं वो, मार्सुपियल्स. द कोआला एंड कंगारू आर मार्सुपियल्स. अब कोआला और वो क्या कहलाते हैं, मार्सुपियल्स कहलाते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, व्हेन ए कोआला बेबी इज बॉर्न इट इज ब्लाइंड. जब कोआला बेबी जन्मती है तो कैसी होती है वो, ब्लाइंड होती है, उसकी आंखें नहीं होती है. इट इज ऑनली अबाउट द साइज ऑफ बीन, इतनी छोटी सी होती है बीन जैसी. दिस टाइनी बेबी क्रॉल्स अप इनटू हिट्स मदर पाउच, देयर ईट्स, स्लीप, ग्रोस. इवन व्हेन इट इज एबल टू कम आउट ऑफ द पाउच, इट हॉप्स बैक इनटू द पाउच व्हेन इट इज स्लीपी और व्हेन इट इज स्कर्ड. द बेबी कोआला राइड्स ऑन द मदर्स बैक अंटिल इट कैन केयर ऑफ इटसेल्फ. अब ये देखिए, उसकी जो बेबी का जो पाउच होता है, कोआला का जो पाउच होता है, वो पाउच ही क्या होता है, उसका घर होता है. वो वहां पे जन्मती है, वहीं उसके अंदर, घर के अंदर अपना ईट करती है, ग्रो करती है. जो भी उसका मूवमेंट्स होता है, जो भी उसकी एक्टिविटी होती है, वो उसके अंदर पाउच के अंदर ही होती है. और उसके बाद में क्या होता है, जब पाउच थोड़ा बड़ा होता है तो ये बाहर आती है, लेकिन बाहर आने के बाद तुरंत अपनी मम्मी के पाउच के अंदर कूद के हॉप करके चली जाती है. और मदर कोआला जब तक ये अपनी केयर खुद से नहीं करती, मदर कोआला उसको अपने शोल्डर या अपने उसके ऊपर, शोल्डर के ऊपर कैरी करके चलती है. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड दिस पेज, कि हाउ इज मदर कोआला इज लुकिंग लाइक, हाउ बेबी कोआला बॉर्न. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ऑन नेक्स्ट पेज. ओके, अ बेबी ईट्स द लीव्स ऑफ यूकलिप्टस ट्री. यू नो यूकलिप्टस ट्री देखे होंगे, साउथ के अंदर हम जाते हैं, यहाँ तो नहीं है, हम जब साउथ जाते हैं ना घूमने, ऊटी या समथिंग, कोडाई कनाल, तो वहां पे बहुत लंबे लंबे यूकलिप्टस और के तेल, जिसको हम हिंदी में नीलगिरी बोलते हैं, जो कि हमारी विक्स, जो वाम, इसके अंदर और जो भी पेन किलर्स होते हैं उसके अंदर ये यूज किया जाता है. ओके, तो उस उन पेड, वो हमें नीलगिरी का तेल कहाँ से मिलता है, यूकलिप्टस से. ओके, अब कोआला ईट्स द लीव्स ऑफ यूकलिप्टस ट्रीज, इट ईट्स द टेंडर शूट्स दैट ग्रोज ऑन द टिप्स ऑफ द ब्रांचेज. अ कोआला हैज टू शार्प टीथ इन फ्रंट फॉर टियरिंग लीव्स, इट हैज फ्लैट टीथ एट द बैक फॉर च्यूइंग द लीव्स. अ कोआला कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड व्हेन इट हैज टू मूव टू न्यू ट्री. अ कोआला डज समटाइम्स ड्रिंक द लीव्स, इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द वाटर इट नीड्स. द कोआला इज नॉक्टर्नल एनिमल, इट इज मोर एक्टिव इन नाइट देन ड्यूरिंग द डे. अ कोआला डजंट हैव ए होम और ए नेस्ट, इट जस्ट वेजेस इट्स बॉडी इन टू द फॉर्क ऑफ ए ट्री. इट्स वॉप इन इट्स आर्म, लैंग अराउंड ए ब्रांच, क्लोज इट्स आईज एंड गोज टू स्लीप. अब देखिए इस पेज के अंदर कोआला के लिए कि वो क्या खाते हैं, वो यूकलिप्टस की ट्रीज खाते हैं. ओके, उनकी जो शूट होते हैं, टेंडर्स होते हैं ब्रांचेस के ऊपर, वो उसको खाना पसंद करते हैं खाना. और वो पानी नहीं पीते, मोस्टली उनको जो वाटर की जो नीड होती है
वो लिप्स से ही पूरी हो जाती है, बट समटाइम्स दे आर ड्रिंकिंग मिल्क. और जब उनको खेलना होता है या कहीं जाना होता है तो ही वो अपनी मम्मी की पाउच में से बाहर निकलते हैं, अदरवाइज उस पाउच के अंदर वो वापस चले जाते हैं. कोआला के कोई घर नहीं होता, कोई नेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ पेड़ के ऊपर ही रहते हैं, जो पेड़ की ब्रांचेज होती है उसके ऊपर सो जाते हैं. और ये कौन से एनिमल्स हैं? ये है नॉक्टर्नल एनिमल्स. नॉक्टर्नल एनिमल्स मतलब कि जो एनिमल्स रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं और दिन में सोते हैं. आपको मालूम है टाइगर भी रात को हंट करता है, दिन में सोता है, पूरी दिन सोता है और वो हंट करने के लिए रात को निकल जाता है. तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं एक्टिव, वो रात को ज्यादा एक्टिव रहते हैं और दिन में सोते हैं. और ये इनकी जो आईज होती है, ये मतलब जो होते हैं वो अपनी आईज को पेड़ के ऊपर बंद करके ही ब्रांचेज के ऊपर सो जाते हैं. लार्ज नंबर्स ऑफ कोआलास हैव बीन किल्ड फॉर देयर फर. नाउ वेरी फ्यू हैव बीन लेफ्ट. आफ्टर 1936 लॉज वर मेड फॉरबिडिंग पीपल टू किल कोआलास. स्पेशल रिजर्व्स वर मेड फॉर देम टू लिव इन. अब देखिए ये जो कोआलास होते हैं, ये हम बताते हैं, हम जो इंसान है बहुत ग्रीडी होते हैं, हम इनके फर के लिए इनको मार देते हैं, हम हाथी के दांत के लिए उनको मार देते हैं, हम एनिमल्स को टाइगर्स को भी उनकी स्किन के लिए मार देते हैं, तो कोआला को भी उसके फर के लिए, क्योंकि उनके फर के बहुत अच्छे कोट्स बनते हैं, बहुत अच्छे वूलन कपड़े बनते हैं, तो लोग उनको मार देते हैं. तो लेकिन 1936 के बाद में एक ऐसा रूल बना कि जो कोआला को मारेगा उसको सरकार की तरफ से पनिशमेंट दिया जाएगा. कि सेव एनिमल्स, हम अपनी ग्रीड पूरी करने के लिए एनिमल्स को मार देते हैं, इट इज नॉट अ जस्टिस. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको लेसन समझ में आया होगा. स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको वापस लेसन, जो जैसे लेसन स्टार्ट होता है वहां से मैं आपको वर्ड्स अंडरलाइन करवाती हूँ, तो वो हार्ड वर्ड्स है, तो वो हार्ड वर्ड्स आपको एक बार याद करने हैं. आपको यदि 5 times लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और जैसा भी आपको, पर आपको लर्न करने हैं. ओके यस, फर्स्ट यू जस्ट अंडरलाइन चबी, देन ब्राउनिश, देन मैमल्स, देन मार्सुपियल्स, पाउच, यूक्लिप्टस, टियरिंग, प्रोवाइड, नॉक्टर्नल. ओके डिड यू अंडरलाइन, कर लिया ना आपने अंडरलाइन? गुड, दीज आर हार्ड वर्ड्स. ओके होमवर्क में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको क्या करने हैं, पर अभी आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए. चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ से आते हैं. रीड एंड फाइंड, पुट अ टिक और अ क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ना है और जो आप राइट है उसके आगे टिक करना है, जो रॉन्ग है उसके आगे रॉन्ग करना है. कंप्लीट दिस सेंटेंस. कोआला लिव्स इन, आपको पूरा बुक का जो लेसन है वो रीड करना है, सारे आंसर आपको उसी में मिल जाएंगे. और स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं लेनी है, ना स्टडी नोट्स की ना मदर की, आपको खुद से ही लेसन पढ़ना है और उसमें से ही आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है. इट्स अ नॉट बिग डील, इट्स अ नॉट बिग प्रॉब्लम. ये सारे आंसर्स आपको बुक में मिल जाएंगे जब आप रीडिंग करोगे. चूज द राइट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, ये भी आपको. व्हाट इज द कलर ऑफ कोआलास फर, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है 1 to 7 सिर्फ टिक करना है आपको, वो आपको पूरे के पूरे बुक में मिल जाएंगे. सॉल्व द कोआला क्रॉसवर्ड पजल, ये तो वेरी इजी है. अक्रॉस मतलब ऐसे और डाउन मतलब नीचे, ठीक है. अक्रॉस मतलब ऐसे जाना है, डाउन मतलब ऐसे जाना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे. एन एनिमल दैट विल मेक टू इट्स यंग मैमल. ओके तो आप ऐसा करके पूरी क्रॉसवर्ड को सॉल्व करेंगे. ग्रामर इन यूज, we normally use apostrophe s for people and for animals. we normally use of for
things. Okay, a koala's baby. Koala की baby, तो we will क्या करेंगे? Apostrophe s, koala, apostrophe s, koala's baby. ठीक है, तो ये हम ग्रामर हो गई है और उसके बाद में सारी एक्सरसाइज हो गई है और जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी स्टडी नोट्स में क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. वो आपको अपनी बुक में अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने हैं. स्टूडेंट्स उसको लर्न भी करना है. सिर्फ लिखने से ही हमने स्टूडेंट्स कॉपी डाउन कर लिया, ऐसा नहीं करना है. हमें उनको लर्न करना है क्योंकि स्कूल कभी भी खुल सकती है, तो हमारे टेस्ट हो सकते हैं या फिर हम ऑनलाइन टेस्ट चालू कर सकते हैं. तो आप एक एक लेसन वीक में एक लेसन इंग्लिश का एक देखिए. जब आप स्कूल रहती है तो आपको सातों दिन पढ़ना पड़ता है, लेकिन अभी आपके ऑनलाइन तो आपको एक बेनिफिट है कि वीक में एक दिन ही इंग्लिश का होमवर्क आ रहा है. तो आपको होमवर्क एक दिन ही करना है, तो आपको वो अच्छे से करना है. होप करती हूँ ये आपको लेसन समझ में आ गया. बाय बाय.